सबसे पहले मायसेल्फ कमलेश यादव, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। आज दोबारा फिर से आपके सामने लाइव आने का मौका मिला इंस्टाग्राम हैंडल से। तो जो आज हमारा कंटेंट, जो आज हमारा टॉपिक रहेंगे, वो ये रहेंगे कि यदि आपको जीवन में सफल होना है, यदि आपको लाइफ में सफल होना है, तो आपको एक जगह छोड़नी होगी। यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक की देखें, लास्ट तक की बने रहें, और आपको इसमें पता चलेगा कि वो कौन सी जगह है जो आपको छोड़ना है यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं। तो यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जो आज हमारा कंटेंट है, जो आज हमारा टॉपिक है, यदि आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये जगह छोड़नी होगी। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी होती है। ये बहुत बड़ा जो एक समुंदर था, और जैसे कि हम और आप में इंसानों में दोस्ती होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे बाज, आपने बाज सुना होगा, उनमें भी एक फ्रेंड सर्कल था, काफ़ी बहुत सारे दोस्त वो भी थे। तो सारे बहुत अच्छे से जंगल में रह रहे थे, अच्छे से खाने पीने को मिल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बाज वहाँ से निकला और उस समुंदर के बीच एक टापू था, वहाँ पर वो जा पहुँचा। उड़ते उड़ते वहाँ पे जा पहुँचा और उतर करके देखता है तो वहाँ पर उसको बहुत कंफर्ट जोन, उसको बहुत कंफर्ट फील हो रहा था, यानी कि वहाँ रहने की भी जगह थी और खाने के लिए उसको भटकना नहीं पड़ता था कि शिकार करने के लिए, क्योंकि समुंदर के बीच में टापू था और चारों साइड से मछलियाँ वहाँ पर अपने आप ही आती थी। तो उसने बहुत सारी मछली खाया और वहाँ से फिर निकल करके वापसी, उड़ करके वापसी आता है अपने दोस्तों के साथ, जो जंगल में रहते उसके दोस्त कई सारे, और वो सारे यंग थे, यानी कि सारे नए ईगल थे, यानी 5 साल के एज से पहले पहले के, तो जो सारे वो ईगल जो उसके दोस्त थे। तो बताता है कि यहाँ पर हम खाने के लिए दर दर भटकने पड़ते हैं, हमें शिकार करना पड़ता है, और मैं एक जगह देख करके आया हूँ, हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और रहने के लिए भी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो भी समुंदर के बीच में है वो। तो सारे एग्री हो जाते हैं, उनके साथ एक जो थोड़ा सा एजेड, थोड़ा बुढ़ा बाज होता है वो भी उनके साथ चला जाता है, और धीरे धीरे करके वहाँ पर रहने लगते हैं। खाने पीने के बहुत अच्छे सिस्टम हो जाते हैं, उनके मछलियाँ अपने आप चल के आती थी वहाँ पर, उनको शिकार करके वो खाते थे, और रहने की बहुत अच्छी जगह थी और उन्हें कोई जो है कि डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में बढ़ जाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो कुछ दिनों के बाद में जो बूढ़ा बाज है उनके साथ, वो आराम से 1 साल 1.5 साल 2 साल रहते हैं उसमें, खाते पीते मौज मस्ती करते रहते हैं। फिर जो है कि 2 साल के बाद जो बूढ़ा बाज होता है बोलता है कि भाइयों, ऐसे हमें यहाँ पर रहना सही नहीं है, क्योंकि हम छुप कर बैठने के लिए नहीं बने हैं, हम कंफर्ट जोन के लिए नहीं बने हैं, हम तो आसमान के ऊपर उड़ने वाले पक्षी हैं और हमें इसी नाम से ही जाना जाता है। बाज जो होता है वो आसमान से भी ऊपर उड़ता है, और वो बोला कि हम कंफर्ट जोन में यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो बोलता है कि किस किस को चलना है हमारे साथ, हम चलते हैं जंगल में जहाँ पर हम अनकंफर्टेबल रहें और शिकार करके खाएं और अपनी पहचान दोबारा से वापसी ला सके। तो उसमें से कोई भी बाज उनके साथ एग्री नहीं होता, यानी उनका कोई भी फ्रेंड एग्री नहीं होता वहाँ से निकलने के लिए, और वो सारे उसी टापू पर पड़े रहते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते रहते हैं। तो वो बाज निकल करके जंगल में वापसी चला जाता है, और वहाँ पर वो रहता है कई दिनों तक कि वो भी अपना अच्छी उड़ान भर रहा होता है और वो शिकार करके वो भी खा रहा होता है, वो भी एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है। तो जैसे उसके 5 साल 6 साल गुजर जाते हैं, फिर उसके दिल में एक दिन आता है, याद आता है कि जो मैंने अपने दोस्तों को छोड़ करके उस टापू पर आया था, जो बिल्कुल वो कंफर्ट जोन में थे, एक बार चल के उनके पास चल के मिल करके आते हैं। तो 6 साल के बाद जो बूढ़ा बाज है वो वापसी जाता है उनके पास, जो टापू पर उनके फ्रेंड सर्कल में थे। तो जाके वहाँ पर जब वो देखता है तो सारे बाज मारे जा चुके थे, यानी शिकार हो चुका था, और एक बाज की थोड़ी सी जान बच रही थी, और उससे वो जाकर पूछा कि
क्या हुआ मेरे दोस्त, ये सब कौन कर दिया, क्या दिक्कतें आ गई जो आप सबको, आप तो बहुत अच्छे से यहाँ पे जी रहे थे, खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो ये कैसे हुआ? तो जो बाज घायल था उसका दोस्त, जो बुढ़े बाज का दोस्त था, जो छोटा सा बाज घायल था, उसने एक चीज बोला उनसे कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक इंसान दो जो है कि यहाँ पर चीता छोड़ गए थे। जी हाँ, उन्होंने दो ला करके चीता छोड़ गए थे इस जगह पर, और धीरे धीरे जैसे चीता अपना शिकार करके खाते रहे, फिर धीरे धीरे चीते को पता चला कि जो यहाँ बाघ रहते हैं ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते हैं, यानी कि वो कम्फर्ट जोन में बन जाते हैं, बने रहते हैं। तो उसको ये पता चल गई कि बाघ ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पा रहे हैं, तो वो जो है कि बाघों का शिकार कर करके खाने लगा, उस सबको उसने मार दिया। तो वो बाज जो बुढ़ा बाज था, तो उसने उनको बताया कि मेरे भाई, मैं आपको पहले ही कहा था कि कंफर्ट जोन में रहने के लिए हम नहीं बने हैं, ऐसे ही हम इंसान हैं, हम कंफर्ट जोन में बंध जाते हैं, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के आना पड़ेगा, जब ही हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। जैसे जो जॉब करने वाले हैं, जॉब करते रहते हैं, धीरे धीरे करके 5 साल 7 साल उनको हो जाते हैं एक ही कंपनी में, तो सोचते हैं कि इससे अच्छी जॉब हमें और कहीं बाहर नहीं मिल सकती है, यानी वो भी कंफर्ट जोन में बंध जाते हैं, तो उनकी भी सफलता बहुत दूर रहती है। जैसे यदि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो भगवान आपका वो चीज़ भी छीन लेता है जो आपके पास है, यानी आप अगर 30,000 की सैलरी की जॉब कर रहे हैं, यदि आप 40-50,000 सैलरी जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भगवान वो भी छीन लेगा आपसे। इसलिए मैं मानता हूं कि आप 30,000 की जॉब कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ है, बट आप उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करें, आप उससे ज़्यादा पाने के लिए हमेशा तैयार रहें और उसके तैयारी में हमेशा लगे रहें, यानी अपने कंफर्ट जोन में कृपया करके ना बढ़ें। यदि आपको लाइफ में सफल होना है तो आप अपनी कंफर्ट जोन को हटा दें, अनकंफर्टेबल हो जाए, यानी कि यदि आप अनकंफर्टेबल रहते हैं तो आपकी लाइफ सटल रहेगी। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस दिन आप कंप्रोमाइज करने लगते हैं और आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और आपके ड्रीम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और आपको क्या समझ में आया और आपको क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। जो छोड़नी चाहिए वो है कम्फर्ट जोन, कम्फर्ट जोन छोड़िए आप और आप आगे बढ़िए, आप एक सफलता के आगे आप एक अपना रास्ता बढ़ाएं और अपना एक कदम सफलता की ओर ले चलें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।